रामचरित मानस और रामायण जिसको समझ नहीं आती उसका कारण यही है कि जिम पाखंड बाद से लुप्त हो ही सदग्रंथ। जब पाखंड का बोलबाला होता है तो सदग्रंथ बेचारे छुप जाते हैं। कपोल कल्पित पुस्तकें घर घर फ्री में पहुंचा रहे हैं और कहते हैं ये शॉर्टकट है, सीधे भगवान तक पहुंच जाओगे। अरे विष्णु सहस्त्र नाम शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट यदि पूछना है तो महादेव से पूछ लो। महादेव ने पार्वती को शॉर्टकट बताया है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बराने। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे पृथ्वी का स्वरूप है। गाय की पूजा से, गाय की सेवा से, गाय की परिक्रमा से पूरे पृथ्वी की सेवा परिक्रमा का लाभ मिलता है। गाय कोई पशु नहीं है। जिसका मल और मूत्र इतना पवित्र है वो गाय पशु कैसे हो सकती है? पर डर लागे अरुहासी आवे अजब जमाना। लोग यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं और गाय को लात मारते हैं। गाय बैठी होती है, पैर से उठाते हैं। गाय दरवाजे पे आ जाती है, पानी डाल देते हैं। अरे भले मानस, गौ साधु और ब्राह्मण ये सबके दरवाजे पर नहीं पहुंचते। सदा न फूले तोरई, सदा न सावन होए। सावन साल में एक बार आता है और सावन में ही तोरई फूलती है। सदा न फूले तोरई, सदा न सावन होए, सदा न सावन होए संत घर सराना। तो सौभाग्यशाली हैं जिनको गऊ ब्राह्मण और साधु के प्रति श्रद्धा है। ये तीन ही हमारे उन्नति का कारण है और ये तीन का अनादर ही हमारे पतन का कारण। सद्यः साधु समागमा गंगा पापम ससीतापम दैन्या कल्पतरो जथा। गंगा पाप का हरण करती है, चंद्रमा ताप का हरण करता है और कल्प वृक्ष जो कुछ मांगोगे देने का काम करता है। ये तीनों अलग अलग है। पाप दूर करना होगा तो गंगा में नहाना पड़ेगा, ताप दूर करना होगा तो चंद्रमा की रोशनी का आश्रय लेना पड़ेगा और यदि कामनाओं की पूर्ति करनी होगी तो कल्प वृक्ष खोजना पड़ेगा।
परंतु इस संत की सेवा से, संत की सेवा से ये तीनों प्राप्त हुए। पापम तापम तथा दैन्यः सद्यः साधु समागम। हो सकता है गंगा में स्नान किया हमने त्रिवेणी संगम में, पर पाप कब दूर होंगे पता नहीं। चंद्रमा का आश्रय लिया, संताप ताप कब दूर होगा पता नहीं। कल्प वृक्ष का आश्रय लिया, कल्प वृक्ष कब देगा पता नहीं। पर ये जो संत रूपी कल्प वृक्ष है, वांछा कल्प तरोर भिक्षो कृपा सिंधु भय एवचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये जो कल्प वृक्ष है महाराज, सत्य पापम जैसे दर्शन होगा, साधु दर्शनम पुण्यम, पाप गया पुण्य मिल गया। पापम तापम, ताप कैसे दूर होंगे। बरस ही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भार। पापम तापम तथा दैन्य सद्य, संत की सेवा का लाभ तत्काल प्राप्त होता है और साधु की अनादर का भी लाभ तत्काल मिलता है। महाराज पृथ्वी गौ रूप धारण करके खड़ी थी, धर्म स्वयं बैल के रूप, बैल स्वयं धर्म का प्रतीक, इसलिए महादेव धर्म ध्वज है। महादेव की ध्वजा में बैल विराजमान है, महादेव धर्म पर आरूढ़ रहते हैं। आपस में दोनों को चर्चा कर रहे थे, दोनों के आंखों में आंसू थे। पीछे से काला पुरुष डंडा लेकर के लगा हुआ था। धर्म के जो चार चरण हैं, सत्य सोच दया और दान, कलयुग ने सत्य को तोड़ दिया। कबीरदास जी कह रहे हैं, सत्य गया पाताल में झूठ रहा जग छाए, और 5% की पागड़ी 7% में जाए। कबीरदास जी पगड़ी बनाते थे और उसको बाजार में बेचते थे, उससे अपना जीविका। एक दिन ऐसा हुआ, पगड़ी बना करके लेकर के गए, पगड़ी एक भी नहीं बिकी। कोई आता, कितने की, बोले 5 रुपए। नहीं, 4 की दे दो, बोले नहीं 5 की। शाम को वापस आने लगे, कमाल रास्ते में मिल गया बेटा। सुने कहा, पिताजी क्या बात है। अरे बोले बेटा आज क्या कहूं, बोले मुझे दे दीजिए ना, कितने की है, बोले 5 रुपए की। बोले कोई बात नहीं, 5 आपको मिल जाएंगे। कमाल गया, पगड़ी लेकर के बैठ गया मार्केट में। कोई पूछने आया, कितने की पगड़ी, बोले 10 रुपए की। 10 रुपए की, बोले 8 की दे दो ले जाओ। मांगने वाले ने कहा 8 की दे दो ले जाओ। कमाल ने 5 रुपए की पगड़ी को 8 रुपए की बेच ली, और जितनी पगड़ियां थी उनके 5 रुपए के हिसाब से पैसा जो है पिताजी को दे दिया, बाकी जेब में डालने लगा। कबीरदास जी ने कहा, ये कहां से पाया। कमल ने कहा, पिताजी ये कलयुग है, ये मार्केटिंग का सिस्टम है, ये मार्केटिंग का सिस्टम है। कैसे, जब पूरी बात कमाल ने बताई तब कबीरदास जी की कलम चढ़ी। सत्य गया पाताल में झूठ रहा जग छाए, अरे 5% की पागड़ी 8% में जा। सत्य नहीं रहा, सत्य को तोड़ दिया कलयुग ने। दया दया भी नहीं रही, जो मां ममता
की मूर्ति होती है वो अपने कोख में ही बच्चे को मार देती है। दया नहीं रहेगी। जो मां ममता की, करुणा की, दया की मूर्ति है वो अपने बच्चे को 5 मंजिल बिल्डिंग से लेके कूद जाती है। अरे तुझे मरना है तू मर जा, कम से कम बच्चे तो छोड़ दे। जब करुणा होती तो कितना भी कष्ट मां बच्चे का चेहरा देखकर सहन कर लेती है, पर दया नहीं। सोच पवित्रता नहीं रह गई, पवित्रता नहीं रह गई। बस एक ही चरण बचा है, दान। प्रगट धर्म पग चार, कली महु एक प्रधान, एन के नबिद दीने दान किए कल्याण। इसलिए महाराज हाथ को यों रखो, जब हाथ यों रहता है उसको चिंता हो जाती है कि कहीं मेरा नाम बदनाम ना हो जाए, कि मेरे नाम से ऐसे कर रहा है तो कहीं मेरा नाम ना बदनाम हो जाए। परमात्मा को चिंता हो जाती है, वो कुबेर को बोलता है सावधान, ध्यान रखना, क्योंकि ये कुंभ में गया है, साधु सेवा में लगा हुआ है, ये साधु सेवा में लगा हुआ है कुबेर, इसका ध्यान रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता उसको अपने नाम की रहती है, संसार को भी तो रहती है, पड़ोसी नहीं जानता फिर भी लोग अपने नाम के, अपने पोजीशन के पीछे डटे रहते हैं। देखो संसार में हमारी कौन सी गिनती है, पूरे विश्व का नक्शा उठाओ और पूरे विश्व के नक्शे में भारत का नक्शा निकालो, किनारे पर छोटा सा आएगा। अब उस भारत के नक्शे में दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर निकालो, और उसमें फिर अपना मोहल्ला निकालो, वार्ड नंबर, सबको नंबर की लगी रहती है, सब नंबर बनाने में लगे रहते हैं, इसलिए सबके मकान में भी नंबर, मोबाइल के भी नंबर, बैंक के भी नंबर, वार्ड के भी नंबर है? और जब नंबर नंबर का बोलबाला हो गया तो सभी हो गए मेंबर, मैं अंबर, मैं जिन आकाश की तरह जिनके हृदय में विराजमान है, मेंबर बन गए। सदस्य तो ठीक है, वो लोग बोलते ना कि हमारे वार्ड के मेंबर हैं, माताजी, बहन जी, माताजी, बहन जी, कितना पवित्र शब्द है, ये भी हट गया समाज में, एक शब्द प्रचलित हो गया, कोई बुरा मत मानना, मैडम, डम जानते हो, डम जो पानी भरते हैं जिसमें केरोसिन का तेल, पेट्रोल, डीजल, डम, मैडम, मैं जिसके हृदय में डम भर भरा है, बात बात पे आग बबूला हो जाती है, मां, बहन, बेटी, छोटी है तो बेटी, बराबर की है तो बहन, और बड़ी है तो मां, कितना पवित्र शब्द है। पर महाराज सब कुछ बदल चुका है, पवित्रता चली गई, एक दान बचा है। जब कोई मुट्ठी ऐसे बंद कर लेता है तो भगवान निश्चिंत हो जाते हैं कि ये होशियार हो गया, अपना खा कमा लेगा, फिर उसको चिंता नहीं होती। इन केन बिन दीने दान किए कल्याण, ये तो युग का प्रभाव है, परंतु एक व्यवस्था और है जिस व्यवस्था में युग का कोई भी प्रभाव नहीं व्यापता।
आया है और वो कृपा का युग है। वो कृपा का युग है, जो भगवत कृपा में जीते हैं उन पर किसी युग का कोई युग धर्म का प्रभाव नहीं होता। युग प्रभाव नहीं व्यापई सोई, राम सो कृपा बिलोकई जोई। जिन पर भगवान की कृपा होती है, और भगवान की कृपा क्या है? अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनो हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा का जीता जागता जो उदाहरण है वो संत है, भगवत कृपा है। और जो संत चरणार्थित होकर के जीता है उसे युग का प्रभाव नहीं व्यापता, उसके अंदर धर्म के चारों चरण रहते हैं, उसके अंदर सत्य भी होगा, सौत भी होगा, दया भी होगा, दान भी होगा। पर जो सामान्य लोग हैं जो कृपा के युग में नहीं जीते, जो कलयुग में जीते हैं, जो कलयुग में जीते हैं उन पर युग का प्रभाव व्यापता है। इसलिए कृपा के युग में जीना यही मानव जीवन की सार्थकता है। एक कर्म का फल कॉमन है, सबको मिलता है, पर एक जीवन का फल है जो उसी को मिलता है जो कृपा के युग में जीता है। जीवन का फल क्या है आपने सोचा होगा? ये नया फल कौन सा बता दिया आपने? जीवन का फल 84 लाख योनियों में और कोई भी योनि भोग नहीं सकती जीवन का फल, कर्म का फल भोगती है, पर जीवन का फल केवल मनुष्य भोग सकता है, वो जो कृपा में, कृपा के युग में जीता है। क्या है जीवन का फल? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली उठा लो, बाबा बता रहे हैं। सियाराम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिये पुनि राम ही को थल है। मति राम ही सो, गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो धग जीवन को फल। जगत में जीने का जो जीवन का फल है वो ये है महाराज, और जीवन का फल वही प्राप्त करता है जो भगवत कृपा में। जैसे परीक्षित जी ने देखा, परीक्षित जी ने धनुष पर संधान किया, मारने के लिए उद्यत हुए, वो शरण में आ गया। उसने कहा महाराज मेरे दोस्त तो आपने देख लिए, पर मेरा गुण तो देख लीजिए, मेरे में अद्भुत गुण है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मेरे में मानसिक पुण्य तो होंगे पर मानसिक पाप नहीं लगेगा महाराज, ये विशेषता मेरे में। अन्य युगों में मानसिक पाप भी लगता था, अन्य युगों में मानसिक पाप लगता था, पर कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता, मानसिक पुण्य लग जाता, ये विशेषता मेरी है महाराज। ध्यान प्रथम युग मख विद दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। मेरे में तो केवल कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उत रही पार। और नाम के लिए कोई जरूरत नहीं है, पैसा रुपया कोई साधन नहीं लगता, सिर्फ जिस जिह्वा से नाम लिया जाता है वो जिह्वा परमात्मा ने सबको फ्री में दे रखी है, कोई टैक्स नहीं। परंतु इसके बाद भी हम सारे काम कर लेते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, पर नाम जप नहीं कर पाते। साधु तो बार बार कहते हैं अरे भैया खेती करो हरी नाम की, अरे भैया खेती करो हरी नाम की, अरे भैया खेती करो हरी नाम की, अरे भैया खेती करो हरी नाम की। पैसा न लागे रुपया न लागे, पैसा
हितग्राही थे, उन्होंने कहा तू मेरे राज से चला जा। कलयुग ने कहा नाथ जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, आप तो चक्रवर्ती सम्राट थे, पोर्टल खुलते ही कलयुग आ जाएगा। बधालय जहां पर जीवों की हिंसा होती है और वैश्यालय जहां पर चरित्र बेचा जाता है, इन चार जगहों पर कलयुग का निवास दे दिया परीक्षित जी ने। कलयुग पुनश्च याचमान आयो, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, महाराज कोई एक स्थान और दे दीजिए ना, जहां बैठ करके परिवार के साथ थोड़ी देर एंजॉय कर सके। परीक्षित जी के मुख से निकल गया, जाओ सोने में तेरा निवास होगा। कौन सा सोना? जो अधर्म से कमाया हुआ धन है वही सोना, चाहे मकान हो अधर्म से कमाया, चाहे गाड़ी हो, चाहे दुकान हो, चाहे पकवान हो, अधर्म से जो निर्मित धन है उस पर कलयुग का वास। वहां से चले आए महाराज, इधर राजकोष की सफाई हुई, जरासंध वाला कीमती मुकुट रखा था, मंत्रियों ने निकाला, मंत्रियों ने कहा महाराज ये तो आपके योग्य है, आप इसे धारण कीजिए ना। परीक्षित जी ने कहा नहीं नहीं, मेरे पूर्वजों ने जिसको धारण नहीं किया ये तो अधर्म की कमाई है, मैं इसको माथे पे धारण नहीं कर सकता। मंत्रियों ने कहा प्लीज नाथ हमारे लिए, मंत्रियों के कहने पर परीक्षित जी ने जैसे उस मुकुट को धारण किया और कलयुग उसमें प्रवेश कर दिया। जो परीक्षित रास्ते में चलते थे कहीं चींटी आ जाती पैर के नीचे तो राम राम कहके प्रायश्चित करते थे, आज वो शिकार करने के लिए जंगल में गए। मंत्री संतरी सिपाही सब साथ में थे, पर होनहार जब जैसी आवे तब तैसो संयोग बना। तुलसी जस भव तब बता तैसी मिले सहाय, आप न जावे ताही पे ताही तहां ले जा। घनघोर जंगल में पहुंच गए, पानी की प्यास लगी, प्यास की तलाश में घूम रहे थे, सामने आश्रम देखा, समीप मुनि समाधि में बैठे थे। कलयुग माथे में सवार था तो असली नकली लगने लगा, कलयुग का प्रभाव है, असली नकली लगता है और नकली असली लगता है, कलयुग का प्रभाव, धोखा हो गया। इन्होंने उस महात्मा को समाधि में बैठे उसे ढोंगी समझ लिया और मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया ताकि ढोंग होगा तो समाधि खुलेगी, महात्मा तो समाधि में थे। चले आए, जैसे मुकुट उतारा, मुकुट उतारते ही उनको स्मरण आया कि जिन हाथों से मैं संतों की सेवा करता था, जिन हाथों से मैं साधुओं की पूजा करता था, आज मेरे इन हाथों से क्या हो गया। हे धरा तू फट क्यों नहीं जाती, अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है क्योंकि मेरे द्वारा एक संत का अनादर हो गया। इधर महाराज समीक मुनि का बेटा श्रृंगी खेलते हुए जब कुटिया में आया, देखा तो पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा था, ऋषि कुमार ने श्राप दे दिया। इति लंगित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनी, जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है तपस्या में बैठे हुए और महात्मा को बक्सा नहीं। आज के सातवें दिन यही तक्षक उसका दंशन करेगा, मृत्यु हो। ऋषि की समाधि खुली, ऋषि ने कहा बेटा तूने किसको श्राप दे दिया, तू नहीं जानता, वो परिचित है बेटा, वो राजा है, वो हमारी कुटिया में आए, हमको तो पानी पिलाना चाहिए। ब्रह्म वैवर्तक पुराण में बड़ी अद्भुत चर्चा है। समीक ने उस ऋषि कुमार को डांटा, बेटा हम साधु हैं, हमारा श्राप देना काम नहीं है, वो तो अतिथि रूप में आए, बेटा उनको पानी तक नहीं पिलाया, बदले में श्राप दे दिया। देख बेटा ऐसा नहीं करना था, जाओ उनको समाचार तो भिजवा दो। ब्राह्मण के द्वारा समाचार भिजवाया, तक्षक रास्ते में मिल गया, परीक्षा करी मंत्र की, मंत्र का प्रभाव देखा, क्रय विक्रय कर लिया, क्रय विक्रय कर लिया, विद्या को उसने झोली में डाल के रख दी। आज बहुत सी विद्याएं लोभ के कारण लुप्त हो गई।